ओम श्री हनुमते नमः। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। श्री हनुमान जी के 9 स्वरूप और 12 लीलाओं का वर्णन हमारे शास्त्रों में उल्लेखित है। पूरे विश्व भर में जहाँ जहाँ श्री हनुमान जी के मंदिर हैं, वहाँ हमें 1, 2, 3, 4 स्वरूपों के दर्शन हो जाते हैं। परंतु पूरे विश्व में कोई भी एक मंदिर ऐसा नहीं है जहाँ श्री हनुमान जी के 9 स्वरूप और 12 लीलाओं के दर्शन हम एक ही स्थान पर प्राप्त कर सकें। देवभूमि उत्तराखंड में जहाँ कोसी नदी के तट पर श्री हनुमान जी ने हजारों साल पहले तपस्या की थी, और उस तपस्या के स्थल पर देवभूमि उत्तराखंड में हनुमान जी का ये तीर्थ धाम बनकर निखर कर पूरे रूप में जनता के सामने आया। भक्त लोग बड़ी आस्था और विश्वास के साथ श्री हनुमान जी के इन 9 स्वरूप और 12 लीलाओं के दर्शन एक ही स्थान पर प्राप्त करते हैं। भारतवर्ष के हर प्रांत में, हर तहसील में, हर गांव में श्री हनुमान जी की मूर्ति या मंदिर या विग्रह के दर्शन हमें हो जाते हैं। परंतु श्री हनुमान जी का दिव्य तीर्थ धाम जहाँ श्री हनुमान जी ने स्वयं तपस्या की हो, 2016 हनुमान जयंती के दिन यहाँ पर उसकी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, जिसमें देश विदेश से काफ़ी लोगों ने भाग लिया। इस कलयुग के अंदर हम राम जी की क्या सेवा कर सकते हैं। हमने एक मंदिर का निर्माण तो कर दिया, दिव्य तीर्थ धाम की स्थापना तो हो गई, भक्ति का अद्भुत केंद्र भी खड़ा हो गया, परंतु ये हमारा लक्ष्य नहीं था। लक्ष्य है श्री हनुमान जी के नाम से भक्ति के साथ साथ सेवा का केंद्र खड़ा हो, और इसीलिए विकलांग बच्चों की सेवा का केंद्र, मनुष्य योनि तो मिली परंतु शरीर पूरा नहीं मिला, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंखें नहीं है, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, ऐसे बच्चों की सेवा का केंद्र ये श्री हनुमान सेवा धाम में हम बनाने जा रहे हैं, जिसका नाम हमने दिया विकलांग सेवा केंद्र। श्री रघुनाथ के देश में कोई अनाथ या कोई निराश्रित कैसे हो सकता है? और हमारे देश की तो भारत की संस्कृति की परंपरा है कि हम अपने बुजुर्गों की, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करते हैं, उसी को हम पुण्य मानते हैं, उन्हीं के चरणों में हम अपना तीर्थ मानते हैं, और इसीलिए वानप्रस्थ आश्रम की हमने कल्पना की। 60 साल के बाद अपने जीवन की सभी जिम्मेवारियां पूरी कर आप दोनों पति पत्नी यहाँ पर आएं, हनुमान जी की भक्ति करें, यहाँ पर योग और प्राकृतिक चिकित्सा का केंद्र बना रहे हैं जिससे अपने शरीर को स्वस्थ रखें, और 24 घंटे में से 2 घंटे कम से कम इन बच्चों के साथ बिताएं और इनकी सेवा करें। क्योंकि हनुमान जी भगवान शंकर के 11वें रुद्र के रूप में उनका अवतार हुआ था, इसलिए ये संकल्पना की गई कि हनुमान धाम में महामृत्युंजय वाटिका का निर्माण किया जाए। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव महामृत्युंजय के रूप में विराजमान हैं, और उनके बिल्कुल समक्ष उनके 11वें रुद्र अवतार श्री हनुमान जी महाराज आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में अपने ईष्ट और प्रभु भगवान शंकर की ओर निहार रहे हैं। उत्तराखंड नैनीताल रामनगर के छोई गांव का हनुमत धाम एक अनोखा धाम है। हनुमान जी के दर्शन मात्र से ही सभी बाधाएं व संकट दूर हो जाते हैं। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। रोग पीड़ा को हरने वाले एकमात्र हनुमान जी अजर अमर देवता है। हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में देश विदेश से लाखों भक्तों की भीड़ हनुमान जी के 9 विग्रह का दर्शन करने हनुमत धाम पहुंचती है। संकट से
हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जय हनुमान। उत्तराखंड की भूमि में ये देव भूमि कही जाती है। यहाँ पर जब इसका प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ तो उत्तराखंड के गवर्नर यहाँ आए थे। उन्होंने स्वाभाविक रूप से कहा कि उत्तराखंड का ये पांचवां धाम इस रूप से प्रसिद्ध होगा और लाखों भक्त यहाँ पर दर्शन करने के लिए आएंगे। हमारे 2 साल का अनुभव है, पहले वर्ष में 15 लाख और दूसरे वर्ष में लगभग 20 लाख भक्त दर्शन कर चुके हैं। इस प्रकार से श्री हनुमान जी के इस दिव्य स्वरूप के कारण और उनके आशीर्वाद के रूपी पुण्य के कारण हजारों लोगों को यहाँ फायदा हुआ। हमने यहाँ पर एक पात्र रखा है जिसमें कोई भी व्यक्ति आकर अपनी मनोकामना को लिख कर रखता है हनुमान जी के चरणों में। अनेकों लोग आते हैं यहाँ पर और कहते हैं मेरी मनोकामना पूर्ण हुई और मैं यहाँ पर बार बार आऊँगा। समाज की बहुत बड़ी संख्या के अंदर लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपना दिल खोलकर तन मन धन और साथ साथ समय इस कार्य के लिए दे रहे हैं। मैं सभी से निवेदन करता हूँ, आप हनुमान धाम पधारें, दर्शन करें, पुण्य प्राप्त करें और आपके जीवन के अंदर जो भी सिद्ध मनोकामना होगी उसकी पूर्णता अवश्य हनुमान जी के प्रताप और उनके आशीर्वाद से होगी, ऐसा मेरा मानना है। जय श्री राम। हनुमान धाम छोई गांव रामनगर नैनीताल उत्तराखंड।